भाई को जिताने के लिए भाई जब बदायूं आया, आते ही लोगों से ऐसी बात कही। जोश ने उफान तक पहुंचकर बीजेपी को तूफानी चेतावनी दे दी। बदायूं से सपा प्रत्याशी आदित्य यादव के बारे में अखिलेश ने दिल खोलकर अपने मन की बात बताई। मंच पर बैठे शिवपाल भावुक हुए बिना नहीं रह सके। शिवपाल ने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव को याद कर बदायूं की जनता को जैसे ही किया इमोशनल। अखिलेश ने नेताजी को कुछ इस तरह से कर लिया प्रणाम। जी हां, बदायूं में एक मंच पर आदित्य दिखे, अखिलेश दिखे और दिखे शिवपाल। कभी मैनपुरी उपचुनाव में आदित्य यादव ने परछाई की तरह भाभी डिंपल यादव का साथ दिया तो परिणाम जीत के तौर पर मिला। अब मैनपुरी में डिंपल यादव की क्षमता का विस्तार हुआ तो वो खुद अकेले ही बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह की राजनीति को निपटा रही हैं। आदित्य यादव बदायूं के रण में ताल ठोक रहे हैं तो अपने भाई के लिए अखिलेश यादव ने बड़ी बात कह दी। बात भी ऐसी कही, आदित्य यादव फूले नहीं समाए तो उनके पिता शिवपाल यादव भावुक हो गए। लिए सहयोग की अपील कर करके बैठ गया, लेकिन मैं देख रहा हूं आज आदित्य यादव को आप लोगों ने, बदायूं के लोगों ने नेता पहले ही बना दिया। ये इनका लोकसभा का पहला चुनाव है, ये पहला चुनाव लड़ने आए आपके बीच में। यहाँ का नौजवान, यहाँ का बुजुर्ग, यहाँ का किसान भाई, यहाँ उपस्थित जितने साथी हैं, सब इनकी मदद करना, एक एक वोट देकर के इनको जिताने का काम करना। ये बदायूं की धरती ने हमेशा संदेश दिया है और ये ऐसी धरती रही है जहां पर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश और दुनिया को संदेश देने का काम इस धरती से हुआ है। अखिलेश कह रहे हैं, आदित्य यादव को आपने नेता बना दिया। ये बात सुनकर शिवपाल भावुक हैं। वैसे शिवपाल ने भी अपने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव को लेकर इसी मन से एक पुराने वाक्य का जिक्र कर बदायूं के लोगों को इमोशनल कर दिया। आप सब लोग जानते हैं नेताजी यहाँ से मुख्यमंत्री भी रहे, दो बार सांसद भी रहे और नेताजी का जब यहाँ से हेलीकॉप्टर निकलता था तो यहाँ की जो भी महिलाएं हैं अपना पर्दा डाल लेती थी कि दद्दा जा रहे, और यहाँ के जो लोग आदमी लोग सर झुका लेते थे और हाथ जोड़ लेते थे, आपको याद होगा। और हम नेताजी सबके बीच में नहीं हैं, अगर होते तो चुनौतियां हवा में उड़ जाती, भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियां हवा में उड़ जाती। अब आप सब लोगों को अखिलेश में नेताजी को देखना होगा और डट कर के इन चुनौतियों का मुकाबला लेना होता। और हम आपको बताना चाहते हैं, मैनपुरी ने तो अपना सारा वोट नेताजी की श्रद्धांजलि के रूप में, टेम्पल के लिए आशीर्वाद के रूप में दे दिया था। आप बदायूं के की बारी है, अपना वोट का आशीर्वाद आदित्य को दे देना। शिवपाल कह रहे हैं, मुलायम सिंह यादव जब हेलीकॉप्टर से बैठकर गुजरते हैं, महिलाएं घूंघट लेते हुए कहती थीं, दद्दा गुजर रहे हैं, लोग सम्मान में सिर झुकाकर उनसे बात किया करते थे। इसके साथ ही शिवपाल ने बदायूं में ठीक उसी अंदाज में कहा जैसे पहली बार चुनाव लड़ रहे अखिलेश के लिए मुलायम ने कहा था, ये मेरा बेटा, इसको उम्मीदवार बनाया है, जिता देना। लोगों ने भी अखिलेश को भारी मतों से जिताकर तब सांसद बनाया था, अब बारी आदित्य यादव की है, जिसके लिए हक के साथ अखिलेश और शिवपाल वोट मांग रहे हैं।